हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर वन के जून 2023 के लेटेस्ट पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये इसका पार्ट नंबर 22 है। अगर आप में से किसी ने इससे पहले वाले लेक्चर्स को मिस किया है तो 2023 के जून के पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाइए वहां से जाके वो पीवाईक्यूज को कवर कर लीजिए। एंड एक इम्पोर्टेंट अपडेट, आज सुबह को भी आपकी सिटी इंटीमेटेशन आई है, ठीक है। आपका एग्जाम किस सिटी में है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एनटीए की वेबसाइट पे आ चुकी है, ठीक है। सो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके चेक कर लीजिए कहाँ पे आपका एग्जाम, एटलीस्ट वो सिटी बताई गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर हो सकते हो क्योंकि एक दो दिन में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, बट फिलहाल के लिए सिटी भी पता चली है तो एटलीस्ट मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे कि नजदीक है कि दूर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है 161, क्वेश्चन नंबर 161। अब आप में से कोई पूछ सकता है मैम 1 टू 160 क्वेश्चन कहाँ पे गए, तो पार्ट नंबर 1 टू 21 में आपको 1 टू 160 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मिस किए हैं तो 2023 की पीवाईक्यू उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। In explicit long term memory, bits of information may be stored and interrelated in terms of propositional networks. क्या बोलता है, अगर हम long term memory की बात करें, लंबे समय के लिए memory की बात करें, तो जो भी information bits में available होती है, यानी जो भी information over a period of time store की जाती है थोड़ा 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 करके, तो सारी information बाद में क्या हो जाती है, interrelated हो जाती है ना। interrelated यानी आपस में आके circle ही बना देती है जैसे, right, link बना देती है एक दूसरे के साथ। तो ये statement तो correct है ना। सोचिए आप जब पढ़ते भी हो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मेरा हर एक लेक्चर देखिए, क्यों, क्योंकि उसका रीजन होता है कि अगर सपोज मैंने इस लेक्चर में कुछ कराया है, सेम टॉपिक पिछले लेक्चर में भी था, तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया होगा तो सीधी बात है मैं यहाँ पे थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगी उसी टॉपिक को, क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, है ना। तो सीधी बात होती है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन हमेशा कैसी रहती है, इंटर रिलेटेड रहती है अगर वो अच्छे से स्टोर की गई हो। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन भी कट हो गया और डी भी कट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इम्प्लिसिट लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर आउट ऑफ अवेयरनेस मेमोरीज दैट कांट अफेक्ट थिंकिंग एंड बिहेवियर। बोलता है लॉन्ग टर्म मेमोरीज अगर इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट यानी अंदर की तरफ है, अब तो वो आउट ऑफ अवेयरनेस है, आपके अंदर क्या है वो आपको ही नहीं पता, ऐसे होता है क्या, जरूरी नहीं ऐसा होता। एंड कांट अफेक्ट थिंकिंग एंड बिहेवियर, आपके थिंकिंग आपके बिहेवियर को अफेक्ट ही नहीं करेगी, ऐसा थोड़ी होता है। हर एक चीज जो हमारे अंदर चलती है वो हमारे थिंकिंग को हमारे बिहेवियर को क्या करती है, अफेक्ट करती ही करती है, और अगर स्पेशली वो लॉन्ग टर्म से चल रही है तो सीधी बात है वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी उनका, ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 162 क्वेश्चन, अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इनटू 4 स्मॉल ग्रुप्स एंड इन ईच ग्रुप 3 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, एक क्लासरूम था, ठीक है, उसमें कितने ग्रुप्स बना दिए, 4, 1 2 3 4, हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स है, ठीक है भाई। आगे क्या बोलते हैं, They have to complete a project in online mode by adding all the related material. Which tool is the most appropriate according to you? अब इनमें से कौन सा टूल है जिसकी मदद से आप अपना प्रोजेक्ट ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकते हो? कैमरा? नहीं भाई, कैमरा से प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, खाली क्या फोटोज ही लगाएंगे क्या? नहीं, पैडलेट तो मुझे नहीं लगता है मेजोरिटी लोगों को पता होगा। क्विजेस, सिर्फ क्विज करने से प्रोजेक्ट थोड़ी हो जाता है ना। स्क्रीन कैस्टोमेटिक, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, अगर आपको नहीं भी पता था पैडलेट क्या है तो भी ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर भी ए ही बनेगा, आपकी ऑप्शंस खुद ही कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, पैडलेट। पैडलेट एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर सकते, ठीक है।
अब ये चीज याद रखूंगा, हो सकता है फिर से अभी दिसंबर वाले एग्जाम्स में पूछी जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 163rd क्वेश्चन, द क्राइटेरिया फॉर गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन बाय मीडिया आर, बोलता है क्या क्राइटेरिया अगर आपको अच्छे से लोगों के पास कम्युनिकेट करना है अपने मीडिया के थ्रू, मे बी आप टेलीविजन से हो, मे बी आप यूट्यूब से हो, मे बी आप किसी भी मीडिया से लोगों तक जब पहुंचते हो, तो उसके लिए क्या अच्छा क्या क्राइटेरिया है जिसके थ्रू मान सकते हैं कि आप सही तरीके से अच्छे वे में पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। देखते हैं, लिमिट ऑन ऑडियंस एक्शन एंड रिएक्शन, आप लिमिट कर दो तो ऑडियंस का एक्शन और रिएक्शन नहीं भाई, कोई अच्छा मीडिया हमेशा आपको एनकरेज करता है, ऑडियंस को एनकरेज करता है कि आप हमें अपना एक्शन बताओ, आप रिएक्ट करके बताओ, है ना। आप कई बार हम लोग यूट्यूब वीडियोस पे भी कैसे बोलते हैं, सब यूट्यूबर्स आप देखोगे तो आप कमेंट करके बताओ क्यों बोलते हैं ये, क्योंकि हमें देखना है आपका एक्शन क्या है, आपका रिएक्शन क्या है ना। तो मेरे हिसाब से ये तो रॉन्ग। सब्जेक्टिव स्लांट, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिव मतलब बायस। इवन हैंडेडनेस, ये हो सकता है ना, एक अच्छी क्राइटेरिया क्या है अच्छे से कम्युनिकेट करने की, इवन हैंडेडनेस, आप सब चीजों को इवन ही हैंडल करते हो, इवन ही यानी बिना किसी भेदभाव के सब चीजों को एक तरीके से हैंडल करते हो, ये तो हो सकता है। अवॉइडेंस ऑफ रैंकर, ये भी ठीक है। सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियन, फैक्ट्स और ओपिनियन को सेपरेट रखना, अलग अलग कर देना, ये भी सही है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना ओपिनियन जो दे रहे हो वो डिफरेंट होना चाहिए, और जो आप फैक्ट्स बताते हो जो रियल में ट्रू है चीजें, वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए, राइट, यानी ई भी राइट। मेरे हिसाब से सी डी ई कहाँ पे है, ये रहा, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर तो इजीली निकल गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 164th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। अब क्वालिटेटिव इंटरव्यू क्या होता है, क्वालिटेटिव इंटरव्यू यानी जहां पे आप क्या करते हो, वन ऑन वन बैठ के डिटेल में किसी इंडिविजुअल के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो क्वालिटेटिव इंटरव्यू कैसा रहता है, ऑटोमेटिकली लेस स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव है, आप थोड़ी टाइम देख के या कोई चीज क्राइटेरिया के बेसिस पे करो, आप तो किसी भी मैनर में क्या कर रहे हो, सिर्फ इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है। तो लेस स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, यानी ए तो आएगा ही आएगा, ए आएगा ही आएगा, तो जिस ऑप्शन में ए नहीं है उसको कट कर दो, इट इज लेस स्ट्रक्चर। अगर क्वान्टिटेटिव होता तो स्ट्रक्चर्ड होता, क्वालिटेटिव है तो लेस स्ट्रक्चर्ड है, तो ये स्टेटमेंट तो राइट है। इट रिफ्लेक्ट्स रिसर्चर्स कंसर्न्स, रिसर्चर की क्या कंसर्न है, उसको क्या ढूंढ रहा है, ये वो होगा ही होगा, यानी बी भी होगा ही होगा, यानी ऑटोमेटिकली यही आंसर बोल रहा है। देखते हैं फिर भी, इट द इंटरव्यू इज अलाउड टू रैम्बल, रैम्बल यानी इधर उधर होगा, ठीक है। देखते हैं, द इंटरव्यू हैज स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस, नहीं भाई, क्वालिटेटिव इंटरव्यू में कभी भी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन नहीं होते, जिस तरीके से इंटरव्यू जाएगा वैसे वैसे आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हो, यानी डी तो पट्टी हो जाएगा। इट इज फ्लेक्सिबल इन अप्रोच, ठीक है, अलाउड टू रैम्बल मुझे थोड़ा बहुत कम लग रहा है, तो मेरे हिसाब से हाँ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ओके, इसका राइट आंसर मैंने दिया ऑप्शन डी, ए सी ई, लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, आप इधर उधर हो सकते हो क्वेश्चंस में, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सिर्फ रिसर्चर अपनी कंसर्न देखेगा, वो भी नहीं होना चाहिए, उल्टा रिसर्चर जिससे इंटरव्यू ले रहा है ना, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी पीछे, यहाँ पे कंसर्न किसकी होगी, इंटरव्यूअर्स इंटरव्यूईज कंसर्न, कि जिसका इंटरव्यू चल रहा है उसके रिलेटेड आपको ध्यान देना है, ना कि रिसर्चर खुद के ऊपर ध्यान दे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इससे गलत होगा, ठीक है। आई होप अब समझ में आया कि बी क्यों रॉन्ग है। चलो, आपको चाहिए ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये मैंने आपको कराया है, रिसर्च एप्टीट्यूड की मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे मैंने क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव डिटेल में कराया है पूरा, क्योंकि यहाँ से हर बार एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है, तो जरूर से जाके देखिए। रिसर्च एप्टीट्यूड की मैराथन भी है, रिसर्च एप्टीट्यूड की प्ले लिस्ट भी, जहां से चाहिए आप जाके देख सकते, ठीक है, सारे पॉइंट इसमें मैंने कवर किए। चलो आगे बढ़ते हैं। 165th क्वेश्चन, इन केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनरिचमेंट प्रोसेस, एनरिचमेंट प्रोसेस करने से क्या होता है न्यूक्लियर एनर्जी के केस, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉसिल
235U। ठीक है, आप ये चीजें काफी हद तक लर्न करने वाली है, इसमें आप और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हो, स्पेशली एंड मोमेंट पे तो बिल्कुल नहीं लगाना बैठ के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 166 क्वेश्चन, विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर आर्गुमेंट दैट आई शुड स्टॉप स्टीलिंग चॉकलेट्स फ्रॉम द कॉर्नर स्टोर इज नो गुड। यू टोल्ड मी योरसेल्फ जस्ट अ मंथ अगो दैट यू टू स्टोल चॉकलेट्स व्हेन यू वर अ किड। यहाँ पे क्या बोलता है, एक जन क्या कर रहा है, यहाँ पे चोरी कर रहा है। ठीक है, तो वो जो पर्सन चोरी कर रहा है उसको बोल रहे हैं कि भाई तू चोरी मत करियो, तो गलत है, अच्छी बात नहीं। तो वो पर्सन उनका मुड़ के क्या बोलता है, भाई आप जब छोटे थे तो आपने भी चोरी की थी ना, तो फिर आप मेरे को कैसे बोल रहे हो। ये कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे एक बच्चा होता है अपनी मॉम को क्या बोलता है, मम्मी अगर उसको कोई चीज पे लेक्चर सुनाती है, कोई चीज समझाती है, तो बच्चा अपनी मम्मी को ही बोल के देते हैं आपने भी तो अपने टाइम पे अपनी चलाई थी, है ना, आपने भी तो बचपन में ऐसा किया था, तो अब आप मेरे को क्यों सिखा रहे हो बैठ के, है ना। यानी यहाँ पे आप उल्टा क्या कर रहे हो, कोई चीज सही भी बता रहे हो तो आप उस सही को क्वेश्चन ना करके आप किसको क्वेश्चन कर रहे हो, वो पर्सन को ही क्वेश्चन कर रहे हो। यानी यहाँ पे आप किसको टारगेट कर रहे हो, पर्सन को टारगेट कर रहे हो। यानी आप क्या कर रहे हो, एड होमिनम कर रहे हो। एड होमिनम मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप पर्सन को टारगेट करो, किसको टारगेट करो, पर्सन को। यहाँ पे आप बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे हो कि सामने वाला क्या समझाना चाहता है, इंस्टेड आप क्या कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को ही टारगेट कर रहे। ठीक है, ये स्पेशली ये एड होमिनम आपके पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं। कैसे कि सपोज विपक्ष पार्टी होती है और एक रूलिंग पार्टी होती है ना, तो विपक्ष वाले लोग क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी के सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कमेंट्स दे देते हैं हर चीज में। तो ये क्या है, ये भी एड होमिनम। ठीक है, आप मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि देश के बारे में बात कर रहे हो, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो, उसमें गमियां खामियां नहीं ढूंढ रहे हो बैठ के, बल्कि आप सामने वाले के पर्सन में ही गमियां खामियां निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो जो बहुत गलत होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 167th क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। सीरीज क्या है, 2, 6, 12, 20। ठीक है, अब 2 में ऐसा क्या करूं कि आंसर 6 आ जाए, 6 में ऐसा क्या करूं आंसर 12 आ जाए। हाँ, और 12 में ऐसा क्या करूं कि आंसर 20 आ जाए, एंड अकॉर्डिंगली 2 में क्या करूं, +4 कर दूं 6 आ जाएगा, है ना। अब 6 में क्या करूं कि 12 आए, 6 ऐड कर दूं, दो से बढ़ा दूं। ठीक है, फिर 2 से बढ़ा के देखते हैं, 8 12 + 8 20 हो रहा है। ठीक है, अब 8 के बाद और 2 से बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 30, है ना। यानी +2 का गैप है, इसका गैप है +2 का गैप। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का है, आपका जो गैप है वो ये +2 का गैप चल रहा है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन भी सोच के देखो पेपर में आते हैं, इसलिए प्लीज वो अंडर एस्टिमेट मत करिए पेपर को। पेपर में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। ठीक है, हमेशा टोटल आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 150 क्वेश्चन, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला, राइट। उसमें से आप मान के चलो 50 क्वेश्चन इजी ही आएंगे, 50 मॉडरेट लेवल के होंगे और 50 डिफिकल्ट होंगे। ये पेपर का नॉर्मल सा सेटअप रहता है, इसको आप एक्सेप्ट करके चलो। इसलिए पेपर में गलती से भी ना, कई बार आप लोग ये गलती क्वेश्चन में क्या करते हो ना, जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपको विश्वास ही नहीं होता, पता नहीं कि पेपर में इतना इजी किसे पूछ लिया। तो आप उस चक्कर में ना कई बार इजी वाले क्वेश्चन को भी रॉन्ग करके आते हो, मे बी बिकॉज ऑफ कि आपको एक फियर रहता है एग्जाम पे, एक डर सा रहता है, एक नर्वसनेस रहती है, उस चक्कर में भी ये गलती आप कर ले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 168 क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET इज अंडर। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग किसके अंडर होगी, सीधी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर होगी ना, है ना। क्यों, कि मेरे को यहाँ, मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन का आता कुछ नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ से समझ में आया वोकेशनल ट्रेनिंग
ट्रेनिंग और वोकेशनल तो स्किल में ही आती है, स्किल डेवलपमेंट में ही आती है ना, तो वहां से ही आंसर लग गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत ही नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 169 क्वेश्चन, अ सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ओपन अ नंबर ऑफ आजाद स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश एंड लेड मौलाना मोहम्मद अली इन 1920 एस्टैब्लिश द जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज। अब आपकी जो JMI है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, कहाँ पे है? सीधी बात है, आप बताओ कहाँ पे है? दिल्ली में, ये तो यूनिवर्सिटी बहुत न्यूज में ही रहती है ना। नहीं, अलीगढ़ में है, सॉरी दिल्ली में नहीं है। कहाँ पे है? अलीगढ़ में, दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ पे है आपकी? क्योंकि यूपी लिखा है ना, मैं भूल गई, यहाँ पे यूपी लिखा है, तो यूपी में कौन सा आता है? अलीगढ़ ही तो आता है यूपी में, और लखनऊ भी आता है ऐसे तो, बट क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बहुत न्यूज में रहती है फ्रीक्वेंटली, है ना, यहाँ के स्टूडेंट बहुत प्रोटेस्ट वोटेस्ट करते रहते हैं बेवजह पॉलिटिकल एंगल्स से, तो कई बार ये यूनिवर्सिटी न्यूज में आ जाती है। तो ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे? आपकी यूपी में, अलीगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में, 117 क्वेश्चन। इन 1965 गार्डन मूरी को फाउंडर ऑफ इंटेल, ठीक है, मेड अ प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। व्हाट डज दिस प्रेडिक्शन नोन एज अ मूरीज लॉ से? अब इसकी प्रेडिक्शन क्या बोलती है? इसकी प्रेडिक्शन बोलती है कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर विल डबल एवरी 18 मंथ्स टू 2 इयर्स। जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर है वो डबल होती जाएगी, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स हो जाएगी हर 18 मंथ्स टू 2 इयर्स में, यानी 2 साल के अंदर अंदर, हर 2 साल में क्या होगा आपकी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो क्या होने वाली है? डबल होने वाली है, ऐसा गार्डन मूरी का मानना है जो इंटेल के को फाउंडर है। ठीक है, और इसी को हम मूरीज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही मिलेंगे, इनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट आएंगे कुछ कुछ, तो इनसे डरना नहीं है, इंस्टीड वहां पे डट के सामना करना है, जो आपको सही लगता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर लगता है उसको जाके टिक करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, और एटलीस्ट अब आप इस चीज को याद रखेंगे, हो सकता है फिर से पूछ ले पेपर 1 के किसी शिफ्ट में, तो आपको अब भी याद होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।